आज के वीडियो में महाराष्ट्र.edu के साइट पे बीट कैसे प्रिपरेशन करते हैं या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो उसको डिसलाइक कीजिए। और कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा पहले का वीडियोस नहीं देखे तो मेरे पहले के वीडियोस कैसे टेंडर्स के बेसिकली सेटिंग करते हैं उसके सेटिंग्स के वीडियोस है जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। और इसके पहले पार्ट का वीडियोस में जैसे कि पहले पार्ट के वीडियो में महाराष्ट्र.edu के साइट्स के आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टेंडर कैसे सर्च करते हैं, अपना प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हमारा पहले पार्ट में डिस्कशन हुआ है। आगे पार्ट्स में जैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पूरा प्रोसेस हो गया, आप कोई भी टेंडर्स भरने वाले हैं उसके बाद टेंडर का फीस और EMD का पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास टेंडर भरने का ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ट्रेनिंग चाहिए कोई भी टेंडर्स भरने के लिए। DSC के रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, वो भी बहुत कम रेट्स में। हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर 900 से अवेलेबल है, हम आपको इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको बता दूंगा। चलिए हम अपना वीडियो आज चालू करते हैं, आज का वीडियो जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र.edu साइट पे बीट कैसे प्रिपरेशन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं उसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने महाटेंडर्स का साइट लॉगिन कर लिया, आफ्टर पेमेंट टेंडर फीस और EMD पेमेंट होने के बाद का ये प्रोसेस है। टेंडर जैसे ही मैंने यहाँ पे टेंडर का फीस और EMD का पेमेंट कर दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे रजिस्टर्ड DSC का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर्ड DSC में यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देना है, कोई भी आप वर्ड्स या नंबर्स कुछ भी दे दो, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 डाल दिया है। और इस पे इनक्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे इनक्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा यदि सेटिंग्स प्रॉपर है तो मुझे यहाँ पे आएगा साइन और इनक्रिप्शन, तो मुझे इनक्रिप्शन चूज करना है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनक्रिप्ट का स्ट्रिंग आ जाएगा, फिर मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है। फिर से मैं यहाँ पे इनक्रिप्शन का ऑप्शन चूज करूंगा और इसको ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा वैसे मुझे यहाँ पे पिन पूछा जाएगा, जो डिजिटल सिग्नेचर का पिन होगा मेरा। यदि आपने मेरा सेटिंग्स का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे पास सेटिंग्स के वीडियोज है और इसके फर्स्ट पार्ट के भी वीडियोज है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आपको सेटिंग्स और इसके सेटिंग्स का वीडियो होने और आपको पहला पार्ट वीडियो देखेंगे तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मैच्ड हो गया। सेंड पब्लिक की पे आपको क्लिक करना है। देखिए आ गया बीट फॉर्म्स लोडेड सक्सेसफुली, पब्लिक की सक्सेसफुली सेंड सक्सेसफुली, मतलब आपका पब्लिक की आपका सेंड हो गया, इसको डन करना है। फिर गो टू एनवेलप, गो, यहाँ पे आपको दोनों प्रिपरेशन करना है, टेक्निकल और फाइनेंस। तो देखिए यहाँ टेक्निकल कैसे बना, फाइनेंस और बीट कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके लिए बेसिकली कोई भी नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे कंबाइन डाल देता हूँ ताकि मैं एक ही फोल्डर पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दूंगा। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स प्लस होल्डर, मैंने अभी जो डाला हुआ सिर्फ उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन से। अभी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स ऐड करूंगा ऐड डॉक से। ऐड डॉक पे क्लिक किया तो ब्राउजर आएगा, ब्राउज पे मुझे वो डॉक्यूमेंट्स जो है मेरा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। जब तक आपका सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा तो ये पॉपअप्स और ये पब्लिक कीज नहीं आएंगे आपके पास। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने सेटिंग्स के वीडियो नहीं देखे तो पहले आप मेरे सेटिंग्स के वीडियो देख ले, तब तक सेटिंग्स के वीडियोस के बगैर ये आगे नहीं जाएगा। प्रॉपर आपके सिस्टम का आपका सेटिंग हुआ तो ही आप इसको आगे जा सकते हैं।
इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे मैंने अब ब्राउज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया लोकेशन से और इसको अपलोड कर रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। मुझे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो फिर से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको डन कर दूंगा। डन कर दूंगा तो कमर्स सेकेंड अपना जो इन्वेलप होगा वो कमर्शियल इन्वेलप आएगा। जैसे मैंने गो किया मुझे सेकंड कमर्शियल एनवेलप आया। यहाँ पे एडिट आइटम करेंगे, एडिट आइटम किया तो मुझे यहाँ पे रेट्स देखने चालू हो गए। बिड डेट आ गया, आज का बिड डेट, ऑफर लैंडेड डेट नंबर्स में जो मैं ऑफर करूंगा रेट्स, उसके बाद परसेंटेज इन फिगर प्लस माइनस है और नीचे मेरा टेंडर का रेट डाला हुआ है जो 4,20,674 का रेट परसेंटेज में है। अबव में जाना है या आपको बिलो में जाना है, यहाँ परसेंटेज इन फिगर करता हूँ मैं 13.75, मुझे परसेंट बिलो में जाना है तो मैं 13.78% में क्लिक कर देता हूँ। परसेंटेज इन वर्ड्स ये सब ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे खाली इतना ही डालना है बिकॉज ये परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे देखिए मैंने कैलकुलेट किया रेट, ऑटोमेटिकली ऑफर लैंडेड रेट आ गया, इसको मुझे इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट कर दूंगा फिर इसको सेव करना है। आइटम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। मेरा ये जो फाइनेंस एनवेलप का जो मैंने रेट डाला वो सक्सेसफुली सेव हो गया। और इसको फिर से मुझे डन करना है। इस टेंडर में ये दो ही प्रोसेस के साथ रन होता है, गो करना है आपको, फॉर्म भरना है और डन करना है। अब वैलिडेट आया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, इनवेलिड सील करेंगे एनवेलप यूजिंग डीएससी के साथ जो हमारा पूरा सील्ड होके डिपार्टमेंट को सेंड हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड सील का बटन है नीचे, मुझे यहाँ बारीक बारीक से दोनों ही करना है एनवेलप U1, नीचे U1 और E2 है, दोनों मुझे डॉक्यूमेंट को सील करना है, पहले टेक्निकल फिर फाइनेंस, में दोनों को सील करता हूँ। E2 में कमर्शियल एनवेलप बोल के आ गया, देखिए ऊपर U1 किया तो टेक्निकल एनवेलप बोल के आ जाएगा। यहाँ पे मेरा सिलेक्ट सर्टिफिकेट है, आप चाहे तो ये सर्टिफिकेट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम अभी यहाँ पे जब सिलेक्ट सर्टिफिकेट करेंगे तो यहाँ साइनिंग लेंगे, यहाँ इनक्रिप्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे हम इनक्रिप्शन लेंगे, साइन नहीं लेंगे और सेंड पब्लिक की करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे का सभी फॉर्म भर जाएगा। पब्लिक की सेंड सक्सेसफुली, इसको एग्जिट कर दीजिए। आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, यदि आपको पासवर्ड बदलना है तो, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। मैंने एग्जिट कर दिया इसलिए मुझे फिर से पहले वाले फॉर्म्स में आ गए। हम माय टेंडर जाता हूँ, सर्च करता हूँ, फिर से जो टेंडर मैंने लिया वो टेंडर लेता हूँ, जहां पे मैंने छोड़ा था मुझे वहीं से अभी आगे का आएगा। एक्शन पेज करता हूँ, प्रोसीड,
यहाँ साइन एंड सील, फिर से देखिए वहीं पर मैं पहुंच गया, गो करता हूँ, एक्सेप्ट एंड सील इनवेलप, पहले टेक्निकल इनवेलप को एक्सेप्ट एंड सील कर रहा हूँ। हैश की जनरेशन सक्सेसफुली, अभी तक मेरा हुआ नहीं पूरा, साइन हैश करेंगे, यहाँ पे मैं साइन लूंगा। साइन हैश सक्सेसफुली साइन हो गया, सेंड साइन हैश, मुझे साइन हैश को सेंड करना है और इसको फिर से डन करना है। मेरा टेक्निकल इनवेलप सक्सेसफुली साइंड हो गया और मैंने डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया। दूसरा मेरा इनवेलप को लेना है कमर्शियल को, इसको भी सेम प्रोसेस, एक्सेप्ट एंड सील, फिर से साइन हैश पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर लेंगे यहाँ पे और फिर सक्सेसफुली साइन हो गया, फिर साइन सेंड साइन हैश को फिर से सेंड, साइन हो गया, इसको मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। जैसे ही डन कर दूंगा मेरा बीड प्रिपरेशन कंप्लीटेड बोल के आ गया, मतलब मेरा बीड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ पे दिखना चालू हो गया कंप्लीटेड। सुपर हैश जनरेशन एंड बीड लॉक है, ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट करेंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल ट्रांसफर एंड बीड करना है, कंट्रोल ट्रांसफर बीड करते वक्त आपको 1200 का पेमेंट करना है, इसका भी सेम प्रोसेस है, फिर भी मैं इसका वीडियोस आपको आगे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इनवेलप नंबर 1 और 2 ये दोनों ओपनिंग करने का है, ये भी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिपार्टमेंट का है। इसके बाद आपका एक ही प्रोसेस बचता है कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ बिल, जहां पे आपको पोर्टल का फीस पे करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपको जो भी काम करना है वहां पे हर जगह पे पहले आप इंक्रिप्शन चूज करेंगे और बाद में आप लास्ट में सिर्फ सिग्नेचर चूज करेंगे। यदि आपको रिवर्क करना है तो नीचे रिवर्क का बटन है, तब रिवर्क कर सकते हैं, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कैलकुलेट या फिर आपका टेंडर्स का इनवेलप का आपका जो भी डेटा है उसको आप बदल सकते। ई टेंडरिंग के रिगार्डिंग आपको वीडियोस लर्निंग के लिए, ई टेंडरिंग के आपको वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।